जिला शिमला के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन व मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला में चलाई जा रही केंद्र की 42 योजनाओं की गई समीक्षा। एनआईटी हमीरपुर की रैंकिंग में हुआ सुधार। एनआईटी निदेशक ने कहा, संस्थान के प्रति विद्यार्थियों और समाज की सोच में बदलाव के लिए किए जाएंगे सकारात्मक कार्य। पुलिस लाइन झलेड़ा में आयोजित की जाने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर फिर शुरू हुई कवायद। 23 फरवरी से 3 मार्च तक होगा नए कांस्टेबल्स का चयन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामलों की रफ्तार पड़ी धीमी। आज दोपहर तक आए कोरोना के 5 नए मामले। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या हुई 1510, हालांकि 4078 की अब तक जा चुकी है जान। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। 28 फरवरी तक वार्ता नहीं हुई तो किया जाएगा उग्र आंदोलन। 4 लेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजे की उठा रहे हैं मांग। वेतन विसंगतियों को लेकर की जा रही डॉक्टरों की 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक। प्रदेश भर में आज 12वें दिन भी रही जारी। ओपीडी स्वास्थ्य सेवाएं हो रही प्रभावित। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य कामगार कल्याण बोर्ड, कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान से झंडूता विधायक जीतराम कटवाल ने बहना ब्राह्मणा में लाभार्थियों को 235 इंडक्शन चूल्हे तथा 55 सिलाई मशीनें की वितरित। बिलासपुर नलवाड़ी मेले को भव्यता प्रदान करने के लिए किए जाएंगे हर संभव प्रयास। उपायुक्त ने कहा, मेले की गरिमा और भव्यता कायम रखने के लिए होंगे व्यापक प्रबंध। प्रदेश में एक बार फिर करवट लेगा मौसम। 22 और 23 फरवरी को भारी वर्षा और ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात को लेकर येलो अलर्ट जारी।